सुधांशु त्रिवेदी जी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी के जो अधिकार हैं उसको अपहोल्ड किया है, लेकिन आज सवाल पश्चिम बंगाल के मद्देनजर यह है कि जब पार्थ चैटर्जी या फिर अर्पिता जितने और ये पूरी जो बरामदगी हुई है, गुलाबी नोटों की बारिश वहां पर चल रही थी, पहाड़ चल रहा था, ममता बनर्जी ने एक्शन लिया है। इस बार तो कोई कंप्लेन नहीं कराना ना कि ईडी ने जबरदस्ती एजेंडे के तहत वेंडेटा निकालने के लिए रेड किया है। उन्होंने मंत्री पद से भी हटाया है और पदाधिकारी वो थे, कई पदों पर थे पार्टी में, उससे भी हटा दिया है। सुधांशु जी, देखिए वहां पर जिस प्रकार की बरामदगी हुई है उसमें कम से कम अब पश्चिम बंगाल सरकार के अंदर किस प्रकार का गहरा भ्रष्टाचार, डीप रूटेड करप्शन चल रहा था उसको पूरी तरह उजागर कर दिया है। अब ये सबूत और तथ्य प्रकाश में आने के बाद अब किसी प्रकार की किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। ममता जी को यदि कार्रवाई करनी थी तो जिस रात में यह कार्रवाई प्रारंभ हुई थी, यदि उसी समय कार्रवाई कर दी होती तो लगता कि उनके थोड़ी बहुत भी उनके मन में कोई निष्ठा या ईमानदारी है, जिस चीज के लिए ममता जी जानी जाती हैं। ममता जी की छवि एक सादगीपूर्ण नेता की है, जो सादी धोती पहनती हैं, हवाई चप्पल पहन के चलती हैं। हम लोगों के साथ भी नहीं, हमने खुद देखा है उनको, वो एक सामान्य सी छोटी कार में चलती हैं। परंतु उसके बाद इतना समय इंतजार करना, और ये बताइए अंजना जी, जब इतने भारी मात्रा में करेंसी और ज्वेलरी बरामद हो जाए उसके बाद क्या विकल्प था कार्रवाई न करने का? वो तो विकल्पहीनता की स्थिति में किया गया, यानी अब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था कार्रवाई करने के अलावा। और उसमें भी जिस प्रकार कायदे से उनको स्वयं केस दर्ज कर देना चाहिए था इसके ऊपर। दूसरा, यह भी सूचना मीडिया में आ रही है, अब ये तो हम नहीं कह सकते, तो ईडी को बेहतर पता होगा कि जो अर्पिता चटर्जी है उन्होंने कुछ ना कुछ बोला भी है, इस प्रकार की बात कही है कि पार्थ चटर्जी जी का ही पैसा था। यदि इस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं तब तो और भी कोई विकल्प नहीं रह गया था। इसलिए जो किया है तृणमूल कांग्रेस ने वो पूरी तरीके से उनकी असलियत अब बेनकाब होती चली जा रही है। और जो ममता जी ने कहा है कि ये बड़ा खेला है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। हो सकता है ये बहुत छोटी चीज सामने आई हो, अभी क्या पता पश्चिम बंगाल सरकार में भ्रष्टाचार के बहुत गहरे और बड़े व्यापक घोटाले अंदर पड़े हुए हों, जब वो पूरे सामने आए तो शायद देश और बंगाल की जनता को पता चले कि ये कितना बड़ा खेला। शशि जी, खेला होबे कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो खेला आपके साथ हो गया है। सवाल ये है कि अगर नोटों की ऐसी बरामदगी नहीं होती, ये गहनों की नुमाइश ना होती ईडी की तरफ से, तब तो आप लोग डिफेंड करते, क्योंकि जब जब भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी पश्चिम बंगाल में किसी पर भी कोई कार्रवाई ईडी ने की है तो ममता बनर्जी ने चीख चीख कर कहा है कि सरकार हमसे बदला ले रही है, अपने हार की वजह से बदला ले रही है, सरकार वेंडेटा निकालती है, सरकार विपक्ष पर हमला करती है। भ्रष्टाचार के मामले पर ऐसे ही कालीन पड़ा रहे, क्यों ना ये सब मामले सामने आए? नहीं देखिए, अगर आप इसी मामले को देखें तो आप पहले से अगर हम लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, वार्तालाप, और जिस तरीके से तब इसके बाद भी ममता बनर्जी जब पब्लिक स्पीच उन्होंने दिया, और हम लोग भी स्पोक्समैन के हैसियत से जब भी हम लोग टीवी पे आए, क्योंकि ये तीनों स्तर जो है, एक तो है पार्टी की ओर से और दूसरी है ममता बनर्जी की ओर से, हम लोग कोई भी जो है चुप नहीं थे, हम लोग सब आपके सामने ही थे, क्योंकि देश की जो परिस्थिति, हम वहां पे नहीं जा रहे, लेकिन हम लोग देखें कि जहां हम लोग सोचते हैं, अब वेट करते हैं कि अब प्रधानमंत्री कुछ बोले, बहुत जरूर टिप्पणी कुछ दे, लेकिन वो बोलते हैं, लेकिन हम लोग थे नहीं ऐसे, हम लोग साइलेंट नहीं थे। और बराबर पहले से जब जो बारात हुई वो थी उस महिला के घर से, तो हम तो ईडी के इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो है नहीं, तो हम लोग जो बाहर से देख रहे हैं या आप जो दिखा रहे हैं या ईडी सोर्स या मीडिया लीक्स जो हो रही है उसमें से जो बरामद हो रही है या जो हो रही है, तो पहले आई थी ये बात कि ये उनका है, तो हम लोग ने पहले ही कहा कि उस महिला की तृणमूल कांग्रेस से कोई संपर्क नहीं है। तो अगर किसी के घर से बरामद हो, ऐसा तो नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस से बरामद हुए, तो जब किसी के घर से बरामद हुए तो उसको लेके तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जब बात चल रही थी तो हम लोग ये कहा कि हम लोग दूरी बनाए रखे। शशि जी, दूसरी बात, ये आप भी जानते हैं कि जो नौरत्न टाइप के मंत्री होते हैं ना, जो बहुत करीबी होते हैं, वो नौरत्न टाइप के मंत्री थे पार्थ चैटर्जी, बहुत करीबी थे ममता बनर्जी के, तो आपको भी पता होगा। ममता, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया मैडम, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मेरा सवाल ये है कि अगर ये पैसे
ये नोट सोशल मीडिया टीवी हर जगह पर सामने नहीं आता तो फिर क्या इस बार भी नहीं कहती ममता की देखिए जबरदस्ती का ईडी वालों को भेज दिया है, हमारे पीछे लगी हुई है मोदी सरकार? देखिए हमारी जो एक्सपीरियंस रह चुकी है इस राज्य में, हम लोग को ईडी या सीबीआई के विरुद्ध कुछ कहना नहीं है। बस इतना ही हम लोग देखते हैं कि जैसे शारदा केस है 2014 से चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा, तो इसका निष्कासन भी जल्दी हो। लेकिन इसको जो हम लोग कब कहते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि इसको व्यवहार किया जाता है, अचानक सामने देखिएगा निर्वाचन आ रहा है तो इसको व्यवहार किया जाएगा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग है ये बहुत मजाकिया हो जाती है, माने निर्वाचन के पहले आ जाते हैं सीबीआई ईडी। चलिए आप इसको 8 साल ना करके तुरंत 2-3 महीने खत्म कर दीजिए।